Assalamualaikum. मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ. सब लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं. आपके शो का नाम सोचो पाकिस्तान है ना? Yeah. सोचे कैसे? क्या नाम है? समीर. अच्छा, वैसे हमारी शक्लें बड़ी मिलती हैं. हाँ हाँ, क्या करते हैं? हाँ, मैं आर्टिस्ट हूँ. आप ही तार क्या? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और ईद मुबारक पाकिस्तान. हाँ जी पाकिस्तान, तो बताइए क्या सोचा, और अगर नहीं सोचा तो सोचो पाकिस्तान. जी मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएं. क्या हुआ? कोई लड़ाई है? कोई जंग चल रही है क्या? हाँ, जंग, लड़ाई, दोनों. किससे? आपसे. हैं? अरे हमारी कौन सी लड़ाई है? देखो मेरे दोस्त, हम दोनों लड़ेंगे ना तो नुकसान ना आपका ना मेरा, नुकसान होगा आर्ट का. वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी. किसी की रोजी पे लात मारकर अपनी दुकान को चमका कर मुझे यहां बैठकर आप आर्ट्स की खिदमत का दर्स दे रहे हैं. सलूट है आपको. बिल्कुल गलत. अच्छा एक बात बताओ, आज क्या है? इतवार. मतलब आज क्या है? आज ईद है सर. हाँ आज ईद है. एक सेल्फी ले सकता हूँ आपके साथ? नहीं. श्योर. प्लीज सर, थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो हाँ, आज और ईद के दिन सबसे पहला काम क्या करते? नहाते. ईद सबसे पहला काम. ओके 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 ओके. अच्छा छोड़ो यार, ईद का वक्त है और ईद का वक्त होता है मुस्कुराने का, खुशियां बांटने का, खाना खाने का और खिलाने का, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम गुजारने का.
की जगह के बने हम तुम, और ये शो तुम ही डिजर्व करते हो, कहता है ये दिल मेरा। और हाँ, हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, ये मेरा है तुमसे वफा। आपको पता है आपके बारे में सब सच कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे बारे में सही कहते हैं। क्या? तुम बहुत लंबे हो। चलो ब्रेक का टाइम खत्म हो रहा है, टाइम लो। जा रहा। और हाँ, ईद मुबारक। दोस्तों, आपका अपना होस्ट एक खान वापस आ चुका है, इसलिए सोचना मत पाकिस्तान। हमारे वाला होस्ट वापस आ गया। ईद के इस पूर्व मुसर्रत मौके पर मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोग आए, इस हॉल को आपने भर दिया अपनी मुस्कुराहटों के साथ। आप सबके लिए बहुत सारी तालियां। और इस मौके पर मैं अपने दोस्त आहद रजा मीर का एक शेर के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे हम सफर, मेरे हम नफस, मेरे साथ चलने का शुक्रिया। ये जो दोस्ती की इब्तिदा की है, इसे यूं निभाने का शुक्रिया। हमारी खैर मौजूदगी में वीर साहब ने हमारे शो को बहुत अच्छे तरीके से होस्ट किया, लेकिन आज उनको किसी इमरजेंसी के बायस जाना पड़ा, तो हम वीर को बहुत मिस करेंगे। लेकिन आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आपका अपना एके खान शो को फिर से कंटिन्यू करेगा। तो फिर हो जाओ तैयार एक नए मुकाबले के लिए। क्या तैयार हो? क्या ही चला जाता अगर तुम उनकी छोटी सी बात मान लेती और शो पे ना आती। बात सुनो, जितना अच्छा मैं उन्हें समझती रही हूँ ना, आज उन्होंने बता दिया कि वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं। अब जो मेरे दिल में आएगा ना, मैं वो करूँगी। उम्मीद, असल में उन्हें असद से प्रॉब्लम है। उन्हें ये लगता है कि वो तुम्हें फिर से जितवा के उनसे दूर कर देंगे। मतलब उन्हें मुझ पर शुरू से ही भरोसा नहीं। वाह यार, मोहब्बत में लोग थोड़े पोजेसिव हो जाते हैं। तो पोजेसिव होकर वो किसी का हक छीन लेंगे। छोड़ो, तुम देखो छोड़ो। जबरदस्त भाई, आज भी बहुत सारी खवातीन हमारी ऑडियंस में मौजूद हैं, तो हमें चाहिए छह खिलाड़ी। सबसे पहले कौन आएगा, कौन आएगा? हाँ, आ जाए आप। जबरदस्त, इनके लिए बहुत सारी तालियां। आप भी आइए ग्रीन कपड़ों में, आप आइए। हमारे पास है तीन कंटेस्टेंट्स, यहाँ तीन और चाहिए, आप आइए। हमारे पास तीन कंटेस्टेंट आ चुके हैं, हमें तीन और चाहिए, तो आप आइए, आप ही आ जाए। एज यूजुअल हम अपने तमाम तर कंटेस्टेंट से उनके नाम जानेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मरियम। मरियम, आपका? सादिया। आपका? सादिया। आपका? इंजा। आपका? और आपका? हया। हया पाशा। हया पाशा, बहुत सारी तालियां। तो ब्यूटी विद ब्रेन सेगमेंट शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आप अरे दादी जी, आप मेरा ख्याल है ये वाला सेगमेंट आपके लिए नहीं है। अरे गलत ना समझिएगा, लेकिन ये हमारे जो यंगर कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए ये सेगमेंट डिजाइन हुआ। अरे भाई, मैं उनसे अच्छा कर सकती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। आप सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने ऑडियंस से। जी ऑडियंस, बताइए किस किस को लगता है कि
आगो जी ये सेगमेंट खेल सकती है। मेरा ख्याल है शायद ये वाला सेगमेंट इनके लिए सही नहीं। आप मुझे ये बताइए आप क्या कर सकती है? डांस। आप डांस कर सकती है? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। तो शुरू करते हैं म्यूजिक। आगू जान को बनाने की क्या जरूरत है? यार तुम फिक्र ना करो, आगू जान कुछ ना कुछ जीत के जरूर आएंगे, ये पता है। ईद मुबारक। आ गया ख्याल? अरे यही तो मसला है, तुम्हारा ख्याल दिल से जाता ही नहीं है। मुझे नहीं, आगो जान को देखो कितना अच्छा डांस कर रही है। मुझे आपको देखने का शौक भी नहीं है। जब कपल वाली गेम होगी ना तो हम दोनों की। हेलो हेलो जी जी, यार मैं जा रहा हूँ। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? पाशा साहब घर पहुंचे थे और सामान पैक करके घर छोड़ के जा रहे। उठो उठो यार, घर घर चल रहे हैं। चलो 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 घर जा रहे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, सब कुछ गलत हो गया है। मैं पाशा साहब के बगैर नहीं रह सकती हूँ। जाके रोक लेंगे पाशा साहब को, और अगर बाबा नहीं रुके तो नहीं, हमें इस वक्त घर चलना होगा। जी नहीं, कोई घर नहीं जा रहा। अभी तक हमने कोई इनाम नहीं जीता और मैं अपने इनाम के बगैर घर नहीं जाऊंगी। अरे बहू तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम आधा सोना मेरे डब्बे में से ले लेना। आपको जान, उसमें सोना नहीं जूसर है। है? तो फिर तुम मुसम्मी का जूस निकाला करना। मुझे आपको रहने ही देना, मुझे नहीं पता, तुम कुछ करो। मैं क्या करूँ? ठीक कह रही है, मैं समीर जाके पाशा साहब को रोकते हैं। आओ समीर। चाची मैं तो कहती हूँ हम भी चलते हैं ना बाबा। अरे ना सामान लेंगे, संभाल लेंगे, सबर बेटा सबर। परेशान मत हो, I'll handle it। कह रहे ना हैंडल कर लेगा, परेशान मत हो, आ जाएंगे। आप लोग प्लीज अंदर जाइए। चलो चलो चलो, हाँ उसको छोड़ो, चलो चलो आगो जान आराम से। अरे आ जाओ जिप वाले, तुम भी आ जाओ, क्योंकि घर पे बैठे जो लोग देख रहे हैं उनको हम ये बताते चले, सोचो पाकिस्तान का आज है ईद स्पेशल एपिसोड। अरे आओ करीब आओ, गले लग जाओ, क्योंकि मैं आप लोगों को देने लगा हूं कुछ मोबाइल फोन। हाँ भाई मोबाइल फोन्स ले आओ। तो कौन कौन जीतना चाहता है मोबाइल फोन? हाँ भाई
सबसे पहले एक जैसे कपड़े, एक जैसे कपड़े कहाँ पहने? अरे आपने, ये मोबाइल फोन आपका हुआ। घर में सबसे छोटा भाई कहाँ है? अरे ये रहा, पकड़ो भाई। ईद मुबारक, क्या बात है। और किसको चाहिए मोबाइल फोन? कोई ऐसा बंदा जिसके पास मोबाइल फोन ना हो, पुराना फोन दिखाओ। अरे ये ले लो मेरी जान, क्या बात है। और साथ में ईद मुबारक, आखिरी मोबाइल फोन आपका। समीर हमें चलना चाहिए इससे पहले कि पाशा साहब चले जाएं। समीर आप लोग प्लीज हॉल में चलें, पाशा साहब कहीं नहीं जाएंगे, मैं उनसे खुद बात करता हूँ, मैंने फोन करता हूँ। फरजाद वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानेंगे। आपसे वादा कर रहा हूँ ना, पाशा साहब को मैं जानता हूँ ना, वो नहीं जाने देंगे। आप लोग प्लीज हॉल में चलें, बेफिक्र रहें, मैं उनसे बात करता हूँ। प्लीज देखें करते हैं आपको प्रोग्राम का मजा आ रहा हो, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाने से पहले यहां एक शेर कहना है अपने किसी खास के लिए। इधर आओ, करीब आओ। शायर ने अर्ज किया है, कब याद में तेरा हाथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सच शुक्र कर तेरी यादों में अब हिज्र की कोई बात नहीं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? ताकि आप खुद देख सकें कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिसकी वजह से आप सबसे नाराज होकर घर छोड़ने का फैसला कर लें। मगर ये शोज सख्त नापसंद है मुझे, ऐसे शोज। पाशा अंकल, ये शोज तो हमारी रोजमर्रा की टेंशन भरी रूटीन से अलग एक छोटी सी तफरीह है, और हमें इसे तफरीह के तौर पर ही लेना चाहिए। हाँ अलबत्ता मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि हम में से कोई भी उम्मीद को इस दफा सपोर्ट नहीं करेगा। श्योर जी, आइए प्लीज। तो फिर क्या तैयार हो एक नए मुकाबले के लिए? अशर लेके आओ किस्मत की कुरान दादी। प्रोग्राम खत्म होने वाला है, एक ने एक दफा भी नहीं बुलाया। तुम मैसेज करो ना उसे, को आखिरी राउंड में बुला ले। नहीं चाची जान। और कुरानदाजी का आपको तो पता है, इसमें कोई गेम नहीं खेलते हम, कोई करतब नहीं दिखाते, सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेके आई है ये अब से कुछ देर बाद पता चलने वाला है। तो सबसे पहले घुमाओ भाई इसको, और जब तक मैं नहीं कहूँ रुको तुमने नहीं रुकना। आज का बम्पर प्राइस है 75 लाख रुपए मालियत का एक शानदार स्टूडियो अपार्टमेंट, 20 लाख मालियत की एक ब्रांड न्यू कार, और इसके साथ साथ 5 तोले सोना। लड़की रुक जाओ। अपने दिलों को थाम लीजिए, अपनी धड़कनों को संभाल के रखिए, क्योंकि एक खान उस खुशकिस्मत की पर्ची निकालने वाला है। दुआ करो, दुआ करो। मेरे हाथ में आ चुकी है एक पर्ची, ले जाओ इसे लड़की, और मैं अब उस खुशकिस्मत शख्सियत का नाम लेने वाला हूं, उस लकी विनर का नाम जो जीत रहा है हमारा बम्पर प्राइज। तो मैं पढ़ने जा रहा हूं इस पर्ची पे उस खुशकिस्मत शख्स का नाम। हाँ
जी तो मैं तो निकल आया हूं शौक से, लेकिन इस वक्त मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा शौक, क्योंकि जिस शख्स ने हमारा बम्पर इनाम जीता है उसका नाम है उम्मीद पाशा। एक 25 लाख मालियत की गाड़ी और 5 तोले सोना। उम्मीद के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आइए उम्मीद, तशरीफ आइए। जी उम्मीद, कैसा फील कर रही हैं आप? इसी के साथ साथ हम बुलाना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम सोचो पाकिस्तान के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर फरजाद अली खान को कि वो स्टेज पे आए और अपने हाथों से जो उम्मीद पाशा ने जितने इनामात जीते हैं वो उनके हवाले करें। तो आपकी भरपूर तालियों में MD फरजाद अली खान। फरजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आफी का। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। मैं मुबारक, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। जी जी उम्मीद, आपका अपना शो है, कहिए। मेरे बाबा ने मुझे हमेशा मेहनत करना सिखाया। और मैंने मेहनत के बजाय हमेशा शॉर्टकट ढूंढा है। मगर आज मैं आप सबके सामने सच्चे दिल से तौबा करती हूं और इरादा करती हूं कि आज के बाद जो कुछ भी हासिल करूंगी वो मेहनत से हासिल करूंगी, क्योंकि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, मुझे मेहनत करनी है आपकी तरह, वक्त की कदर करनी है आपकी तरह। मैं नहीं जानती फरजाद कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये पैसा, ये घर, ये दौलत, ये इनाम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपका साथ चाहिए और आपके साथ के साथ मुझे जिंदगी में कामयाब होना है अपनी मेहनत से। जी नाज़रीन, आप जैसा कि देख रहे हैं कि सोचो पाकिस्तान में हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम फैमिलीज को करीब लेके आए। सोचो पाकिस्तान में हमेशा वो होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आपने MD साहब। क्या था आप क्या कहें? मैं नहीं जानता जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां छोटे छोटे लम्हे कैसे एंजॉय किए जाते हैं।
मुझे जीना सिखाओ। सॉरी, मैं जानती हूं कि मैंने आपको हमेशा बहुत हर्ट किया है और आज फिर आपकी इजाजत के बगैर मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरी तमाम गलतियों के लिए मुझे माफ कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमाल पाशा है और मैं उम्मीद का वालिद हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि उम्मीद ने आज ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला किया है। फरजाद के हक में मैं अपना फैसला पहले ही दे चुका हूं। अगर उम्मीद जलजला आए तो फरजाद सुनामी, दोनों का गुजारा एक साथ कैसे होगा? माँ, जैसे मोहब्बत हो गई है ना, वैसे गुजारा भी हो जाएगा। जी ख्वातीनो हजरात, जैसा कि आप देख रहे हैं, सोचो पाकिस्तान अपने गैर रवायती अंदाज में अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। आज उम्मीद पाशा ने पैसे नहीं जीते बल्कि हम सबके दिल जीते। इनकी बिगड़ी हुई कहानी बस ऐसी ही थी, थोड़ी सी ये लड़की पागल और थोड़ी सी इस लड़के की मेहरबानी। जी तो इसी के साथ हम उम्मीद पाशा और फजाद अली खान को नेक तमन्नाओं के साथ यहां से रुखसत करेंगे और आप अपने होस्ट एके खान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर कभी हमारी मुलाकात होगी किसी और शहर में, किसी और दिन, किसी और वक्त। तब तक के लिए पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से और सोचो पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक और सो जाओ पाकिस्तान। बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल न पाऊं, लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी, तेरे लिए है तुझको सुनाऊं। थम गए तुझ पे आके कदम, हो तेरे हवाले कर के दिल।
शुक्र है फरजाद भाई की वजह से हमें फिर से परमिशन मिल गई बार बार घूमने के लिए। सही कह रहे हो, वरना जो लास्ट टाइम हुआ था ना, बादशाह साहब तो हमें घर में कैद ही देते रहे। शो के बाद मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पता था मुझे नाराज मुझसे, इसलिए मैंने पाशा साहब से इजाजत लेके प्लान बनाया था। क्योंकि मैंने बाद में सोचा कि मैंने जज्बात में आकर कुछ ज्यादा ही आपकी तारीफें कर दी, हालांकि आपको भी जवाबन मुझसे कुछ ऐसा कहना चाहिए। कहा तो था मैंने, इतना रूखा भी का इकरार। अच्छा तो कैसा इकरार चाहिए आपको? किसी फेरी टेल की कहानी की तरह रोमांटिक, जिसमें चांद तारे तोड़ कर लाने जैसा कोई बात हो। वैसे फरजाद भाई अच्छा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उम्मीद को खुश रखेंगे। और अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम मुझे खुश नहीं रखोगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। चांद तारे तोड़ कर लाना सब फजूल बातें होती हैं। मेरे पास इससे भी एक बेहतर ऑफर है। और वो क्या? सारी जिंदगी चाय बनाकर पिलाऊंगा। सच्ची? अगर मेरी आदतें बिगड़ गई तो? मुझे सुधारना भी आता है और मुझे बिगाड़ना आता है। चलो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ, अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं, ख्वाबों जैसी। तुम्हें भी ख्वाबों की दुनिया में से ना बाहर निकल आओ। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर रही हो। वक्त पर सोओगी, वक्त पर उठोगी, वक्त पर खाना खाओगी और वक्त पर ही सब काम करोगी। अंडरस्टूड? क्या? सॉरी, मैं घड़ियाल नहीं बन सकती। सारे प्लान कैंसिल, शादी वादी भी कैंसिल। हाँ तो मैं कौन सा सीरियस था? मैं तो डर गया था। कभी छोड़ के जाने की बात मत करना। I love you too. I love you. I love you too. के दिन